नमस्कार, मैं राजन सिंह निर्माण जीएस एकेडमी में आपका स्वागत करता हूं। अभी तक के हम लेक्चर में हम लोगों ने केमिस्ट्री सेक्शन और अब फिजिक्स सेक्शन को कंप्लीट करने की कगार में हैं हम लोग, है ना। इससे पहले कल जो लेक्चर है उसमें हमने लाइट को पढ़ा था। आज हम एक नया टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं जिसका टॉपिक नाम है साउंड। तो आज हम लोग साउंड के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। देखिए, जो अपना 2020 का रिवाइज सिलेबस है हम लोग उसी के हिसाब से पढ़ रहे हैं। इसके पहले वाले जो सिलेबस था 2019 तक, वहाँ तक सिलेबस में साउंड को सिर्फ और सिर्फ एक शब्द की तरह दे दिया गया था कि इसके बारे में डेप्थ नहीं पता चल रही थी कि कहाँ तक इसे पढ़ाई करनी है। लेकिन 2020 में इसे वेल डिफाइंड तरीके से बताया गया है। उसमें क्या क्या टॉपिक्स बताए गए हैं, हम लोग उन्हीं टॉपिक्स के हिसाब से एक एक करके उनके अकॉर्डिंग पढ़ाई करेंगे। तो आइए देखते हैं साउंड। साउंड में सबसे पहली बात एमपीपीएससी में कहा गया है कि इसकी डेफिनेशन बताएं। डेफिनेशन बताएं। तो मैं साउंड के लिए आपको कुछ कीवर्ड्स बताऊंगा। उन कीवर्ड्स को जानने के बाद फिर आप उसके बाद डेफिनेशन खुद से ही क्रिएट कर पाएंगे, खुद से ही बना पाएंगे। तो आइए हम जानते हैं कि इनमें क्या क्या कीवर्ड्स हैं जिनको लेकर के हम डेफिनेशन बनाते हैं। दरअसल आपके एग्ज़ाम में जब भी पेपर चेक किया जाता है तो उसमें आंसर में उन्हीं कीवर्ड्स को ही ढूंढा जाता है। जैसे ही वो कीवर्ड्स मिल जाते हैं वैसे ही आपको मार्क्स मिल जाते हैं, क्योंकि कीवर्ड्स को लेकर के आप उसे किसी भी प्रकार से डेफिनेशन को मोल्ड कर सकते हैं। तो आइए साउंड के बारे में जानते हैं। तो साउंड के बारे में पहली बात जानें कि साउंड क्या है। तो एक एनर्जी है, और किस तरीके की एनर्जी है तो आप देखेंगे तो ये एक वेव की तरह है। ये किस तरीके की एनर्जी है, ये एक वेव के फॉर्म में एनर्जी है। और ये वेव भी किस तरीके की है तो ये एक लॉन्गिट्यूडिनल वेव है। लॉन्गिट्यूडिनल वेव है। इसके बाद हम लोग समझेंगे कि लॉन्गिट्यूडिनल वेव क्या होती है। लॉन्गिट्यूडिनल वेव है और साथ ही साथ किस तरीके की है, मैकेनिकल वेव है। मैकेनिकल वेव है, ठीक है, मैकेनिकल वेव है। तो हम इसको समझेंगे कि लॉन्गिट्यूडिनल वेव क्या होती है, मैकेनिकल वेव क्या होती है, नॉन मैकेनिकल वेव क्या होती हैं। हमने पिछले लेक्चर में लाइट के टॉपिक में इसे कुछ हद तक डिफाइन किया था और इसे सीखा भी था। अब यहाँ साउंड के चैप्टर में भी हम उसे एक बार फिर से देख लेंगे। तो ठीक है, ये एक एनर्जी है, लॉन्गिट्यूडिनल वेव है, मैकेनिकल वेव है, और इसे क्या चाहिए होता है, एक मीडियम चाहिए होता है। जब हमने मैकेनिकल वेव कहा वहाँ से ही ये मीडियम डिफाइन हो गया था, लेकिन फिर भी आपके टॉपिक में दिया हुआ है मीडियम ऑफ प्रोपेगेशन, तो हम इसे भी अलग से ही पढ़ेंगे। इसे प्रोपेगेट करने के लिए एक मीडियम की आवश्यकता होती है, प्रोपेगेट यानी कि चलने के लिए। तो आइए हम इसको समझते हैं। और इसका प्रोडक्शन कैसे होता है, इसमें एक और कीवर्ड है। ये एक एनर्जी है, लॉन्गिट्यूडिनल वेव है, इसे प्रोपेगेट करने के लिए मीडियम की ज़रूरत होती है। साथ ही साथ ये किस कारण से प्रोड्यूस होती है, प्रोड्यूसेस बिकॉज ऑफ वाइब्रेशन। तो वाइब्रेशन भी इसका एक कीवर्ड है। तो आइए हम इन कीवर्ड्स के बारे में जानते हैं। और कीवर्ड्स को जानने के बाद, जैसे ही आप कीवर्ड्स को जान लेंगे, इन कीवर्ड्स को जानने के बाद आप इसकी डेफिनेशन खुद से ही क्रिएट करने लग जाएंगे। तो आइए सबसे पहले हम जानते हैं किसके बारे में, ये वाइब्रेशन के बारे में। इसका प्रोडक्शन, साउंड एक ऐसी एनर्जी है जो कि वाइब्रेशन के कारण प्रोड्यूस होती है। आप देखें कि जहाँ पर भी आपको साउंड देखने को मिलेगा वहाँ पर वाइब्रेशन जरूर से ज़रूर हो रहा होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल के लिए देख लेते हैं, जैसे हम बात कर रहे हैं वहाँ से साउंड प्रोड्यूस हो रहा है, तो आप अपने वोकल कॉर्ड यानी कि थ्रोट के पास यदि आप देखें, अगर आप हाथ लगाएं तो वहाँ पर एक वाइब्रेशन प्रोड्यूस हो रही है। इसके अलावा आप म्यूज़िक सुनते होंगे, तो म्यूज़िक में जब भी आप स्ट्रिंग वाले इंस्ट्रूमेंट देखेंगे जैसे कि सितार, गिटार,
है ना, आप इन्हें देखेंगे तो उन्हें क्या करना होता है, वाइब्रेट करना होता है। इसके अलावा भी जो एयर वाले इंस्ट्रूमेंट्स हैं, जैसे कि घटकम, जैसे कि आपका फ्लूट, अगर आप उन्हें देखेंगे तो वहाँ पर भी वाइब्रेशन प्रोड्यूस हो रहा होता है। और वो वाइब्रेशन किन के कारण प्रोड्यूस हो रहा होता है, तो वो एयर के कारण वाइब्रेशन प्रोड्यूस हो रहा होता है। इसके अलावा आप और भी एग्जांपल देख सकते हैं, जैसे कि आप कोई बेल रिंग करते हैं, या फिर आप क्या करें कि कोई थाली है उसे आप स्ट्राइक करें तो वहाँ से साउंड प्रोड्यूस होगा, और फिर उसे टच करके देखें तो वहाँ पर भी आपको वाइब्रेशन महसूस होगी। तो इसका मतलब ये है कि साउंड के लिए सबसे पहली प्राइमरी चीज़ क्या चाहिए, वहाँ पर वाइब्रेशन होना चाहिए। जहाँ पर भी वाइब्रेशन हो रहा होगा वहीं पर साउंड प्रोड्यूस होगी, ठीक है। तो साउंड किससे प्रोड्यूस होता है, तो साउंड प्रोड्यूस होता है वाइब्रेशन से, और साउंड के कारण भी वाइब्रेशन होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप देखें तो जब कभी आपने देखा होगा कि पास में कहीं बड़ा सा बॉम्ब धमाका होगा, या फिर क्या होगा, आप दिवाली में पटाखे फोड़ते होंगे, तो उन्हें कहा जाता है कि आप कांच से दूर में फोड़िए। क्यों? क्योंकि उससे कांच के चिटकने का डर होता है, कांच के टूटने का डर होता है। ऐसा क्यों होता है, वो भी क्यों, क्योंकि साउंड क्या प्रोड्यूस करता है, अपने आप में एक एनर्जी है, और एक वाइब्रेशन के फॉर्म में एनर्जी प्रोड्यूस करता है, और इसके कारण दूसरी भी चीज़ों में वाइब्रेशन क्रिएट होता है। इसके अलावा आपने देखा होगा जब भी सुपरसोनिक जो भी एयरक्राफ्ट्स वगैरह होते हैं, अगर किसी बिल्डिंग के पास से निकलते हैं, तो उनके साउंड के कारण ही ग्लासेस के ब्रेक होने का, या फिर कई बार बिल्डिंग्स के भी ब्रेक हो जाने का डर होता है। इसलिए इन्हें काफ़ी घर के आसपास, यानी कि घरों से काफ़ी दूर में इन्हें इनका फ्लाइट कराया जाता है इन्हें। तो हमने जाना साउंड के लिए प्राइमरी चीज़ क्या है, वाइब्रेशन। सेकेंड बात जानते हैं इसके मीडियम के बारे में। अच्छा, मीडियम साउंड को हमेशा और हमेशा ट्रेवल करने के लिए मीडियम की ज़रूरत होती है। वेव दो प्रकार की होती हैं, एक तो मैकेनिकल वेव और दूसरी नॉन मैकेनिकल वेव। मैकेनिकल वेव उन वेव्स को कहते हैं जिन्हें भी मीडियम की ज़रूरत होती है। ऐसे सभी वेव्स जिन्हें भी मीडियम की ज़रूरत होती है, यानी कि एयर, वाटर, ग्लास या फिर मेटल्स, कुछ भी ऐसे मीडियम होंगे तो वो वहाँ पर प्रोपेगेट करेंगे, उन्हें सबको हम क्या कहते हैं, मैकेनिकल वेव्स। जैसे इससे पहले हमने पढ़ा था लाइट के बारे में, तो लाइट क्या है, लाइट अपने आप में नॉन मैकेनिकल वेव है। क्यों, लाइट तो वैक्यूम में ट्रेवल करती है, जहाँ पर कुछ कोई भी इस तरीके के मीडियम्स नहीं होते हैं। अगर साउंड को वैक्यूम में ट्रेवल करना होगा तो क्या साउंड वहाँ पर ट्रेवल करेगा, तो साउंड बिल्कुल भी ट्रेवल नहीं करेगा। और लाइट की तो स्पीड ही बहुत ज़्यादा होती है वैक्यूम में, तो लाइट अपने आप में क्या थी, नॉन मैकेनिकल वेव थी। तो हमने जान लिया वाइब्रेशन के बारे में, मीडियम के बारे में, और मैकेनिकल वेव के बारे में। एक टर्म और है यहाँ पर, लॉन्गिट्यूडनल वेव। तो लॉन्गिट्यूडनल वेव, इसके बारे में थोड़ा सा हमने लाइट के बारे में भी चर्चा की थी, लाइट के समय में जब हम लाइट पढ़ रहे थे। एक बार और देख लेते हैं इसे कि लॉन्गिट्यूडनल वेव दरअसल दो प्रकार की होती हैं, एक तो लॉन्गिट्यूडनल वेव और दूसरी क्या होती हैं, ट्रांसवर्स वेव। लाइट कैसी थी, लाइट हमारी ट्रांसवर्स वेव की तरीके से थी। अब ट्रांसवर्स वेव क्या होती हैं और लॉन्गिट्यूडनल वेव्स क्या होती हैं, तो फॉर एग्ज़ाम्पल हमने लाइट में देखा था कि लाइट की अगर मूवमेंट की डायरेक्शन ये है, तो उसके पार्टिकल्स की डायरेक्शन कैसी हो रही थी, उसके 90 डिग्रीज हो रही थी। फॉर एग्ज़ाम्पल हमने लेक में देखा था कि लेक में जब भी हम रिपल्स पैदा होते हैं, उसमें लहरें पैदा होती हैं, तो पानी की डायरेक्शन तो बाहर की तरफ होती है, लेकिन उनके पार्टिकल्स की डायरेक्शन कैसी होती है, वो 90 डिग्रीज ऊपर नीचे हो रही होती है, 90 डिग्रीज उसके लंबवत 90 डिग्रीज में प्रोपेगेट हो रही होती है ना। तो इसी तरीके से अगर हम लॉन्गिट्यूडनल वेव्स को देखें, जो मैकेनिकल वेव्स होती हैं, यानी कि लॉन्गिट्यूडनल वेव्स होती हैं, साउंड को देखें, तो साउंड में जो भी पार्टिकल्स का मूवमेंट होता है वो डायरेक्शन ऑफ मोशन के डायरेक्शन में ही होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल हम क्या करें, एक साउंड ले लें, फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ से साउंड क्रिएट हो रहा है, ठीक है, यहाँ से साउंड क्रिएट हो रहा है, तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो पार्टिकल्स का मूवमेंट किस तरीके से हो रहा होगा,
पार्टिकल्स का मूवमेंट ऐसे हो रहा होगा, यानी कि पार्टिकल्स क्या कर रहे होंगे, एक दूसरे को पुश कर रहे होंगे दूर जाने के लिए, है ना। साउंड जैसे निकल रहा होगा तो साउंड क्या कर रहा होगा, पुश कर रहे होंगे पार्टिकल्स एक दूसरे को दूर जाने के लिए। इसीलिए जब भी साउंड प्रोड्यूस होता है तो वहाँ पर दो तरीके के फिनोमिना होते हैं। एक तो होता है कॉन्ट्रैक्शन और दूसरा होता है रेयरफैक्शन। ये जहाँ पर डेंसिटी हमने पास में बनाई है, ये दरअसल क्या हो रहा है, साउंड का कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, और जहाँ पर दूर जा रहा है वहाँ उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम रेयर फ्रैक्शन कहते हैं। कॉन्ट्रैक्शन और रेयर फ्रैक्शन। जब भी साउंड एक प्रकार की एनर्जी है तो वो पार्टिकल्स को क्या करती है, पार्टिकल्स को पुश करती है, तो पार्टिकल्स आपस में क्या होते हैं, पास में आते हैं, और जो पास में आते हैं तो दूसरे वाले पार्टिकल्स क्या हो रहे होते हैं, दूर जा रहे होते हैं। फिर उसके बाद अगले क्या हो रहे होते हैं, अगले वो भी पास में आ रहे होते हैं। इस तरीके से वो एनर्जी क्या होती है, एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल होती हुई चली जाती है, है ना। तो साउंड क्या है, एक एनर्जी है, और इस ये एनर्जी की डायरेक्शन क्या होती है, वही डायरेक्शन होती है जो कि उसके पार्टिकल्स की मूवमेंट की डायरेक्शन है। तो इसीलिए इसे क्या कहा जाता है, लॉन्गिट्यूडनल वेव। तो अब क्या कर पाएंगे, अब आप इन्हीं सारी बातों से इसकी डेफिनेशन क्रिएट कर पाएंगे। फॉर एग्जांपल अगर डेफिनेशन करने क्रिएट करने को कहा जाए तो आप कहेंगे कि साउंड एक एनर्जी है जो कि किस प्रकार की वेव के कारण प्रोड्यूस होती है, जो कि ड्यू टू वाइब्रेशन प्रोड्यूस होती है, और ये एक अपने आप में एक लॉन्गिट्यूडनल मैकेनिकल वेव है जिसे कि मीडियम की ज़रूरत होती है प्रोपेगेशन के लिए। अब इस तरीके की डेफिनेशन बना पाएंगे, साउंड एक एनर्जी है जिसे मीडियम की ज़रूरत होती है प्रोपेगेट करने के लिए, और ये प्रोड्यूस होती है बिकॉज ऑफ वाइब्रेशन, लॉन्गिट्यूडनल और मैकेनिकल वेव है। तो आप इस तरीके से इन्हें मिला जुला करके आप इसकी एक डेफिनेशन खुद से ही क्रिएट कर पाएंगे। आप अगर इसे देख रहे हैं तो आप अपनी एक डेफिनेशन क्रिएट करके हमें कमेंट करके बता सकते हैं। आइए अब हम इसके नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। MPPSC ने फर्स्ट टॉपिक डेफिनेशन दिया हुआ है, और सेकेंड टॉपिक जो दिया हुआ है वो है मीडियम ऑफ प्रोपेगेशन, साउंड का मीडियम ऑफ प्रोपेगेशन। तो हमने एक बात जान ली कि साउंड को हमेशा मूवमेंट के लिए यानी कि प्रोपेगेशन होने के लिए किसकी ज़रूरत होती है, मीडियम की ज़रूरत होती है, यानी कि वो वैक्यूम में बिल्कुल भी साउंड ट्रेवल नहीं करेगा। तो अगर उसे मीडियम की ज़रूरत होती है तो क्या अलग अलग मीडियम में इसकी स्पीड अलग अलग होती है, तो हम देखेंगे कि इसकी स्पीड सबसे कम होगी तो किस कहाँ पर होगी, तो एयर में सबसे कम होगी। इससे ज़्यादा स्पीड होगी इसकी कहाँ, वाटर में, और इससे भी ज़्यादा स्पीड कहाँ होगी, सॉलिड्स जैसे कि हम कहें ग्लास, या फिर ग्लास से भी ज़्यादा स्पीड कहाँ पर होगी, तो मेटल्स जैसे कि आयरन या स्टील, है ना। इसमें इसकी स्पीड सबसे ज़्यादा होती है आयरन या स्टील में, और सबसे कम किस में, एयर में, और वैक्यूम में तो ये प्रोपेगेट ही नहीं करता। तो इस तरीके से इसकी स्पीड होती है, और इसकी स्पीड ये वेरी किस कारण से करती है, तो ये मीडियम की इलास्टिसिटी पे डिपेंड करती है। मीडियम जितना ज़्यादा इलास्टिक होगा उतना ही इसकी स्पीड क्या होगी, कम होगी, और जितना कम इलास्टिक होगा उतना ही इसकी स्पीड ज़्यादा होगी। तो ये हो गया मीडियम के बारे में। साथ ही साथ हम इसे कुछ पैटर्न्स पे देख लेते हैं, कुछ पैरामीटर्स पे इसे चेक कर लेते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी और तीसरा है प्रेशर। प्रेशर
तो टेम्परेचर, अगर हम कभी भी मीडियम का, इन्हीं मीडियम का यदि हम टेम्परेचर इंक्रीज करें, टेम्परेचर इंक्रीज करें, तो क्या इसकी स्पीड में, साउंड की स्पीड में कोई चेंज आएगा क्या? अगर हमने टेम्परेचर को इंक्रीज किया तो साउंड की स्पीड में कोई चेंज आएगा क्या? तो हम बताएंगे कि टेम्परेचर यदि बढ़ता है तो साउंड की स्पीड भी बढ़ती है, और टेम्परेचर घटेगा तो साउंड की स्पीड भी घटेगी। इसका मतलब साउंड की स्पीड टेम्परेचर पे डिपेंड करती है। साथ ही साथ हम ह्यूमिडिटी देखें तो ह्यूमिडिटी जब भी बढ़ेगी तो ह्यूमिडिटी बढ़ने पे साउंड की स्पीड बढ़ेगी। टेम्परेचर में तो यहाँ तक कहा जाता है कि अगर हम 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर को बढ़ा दें, 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर को बढ़ा दें तो 0.6 मीटर पर सेकेंड इसकी स्पीड इंक्रीज हो जाती है। 0.6 मीटर पर सेकेंड टेम्परेचर बढ़ाने पे इसकी स्पीड इंक्रीज हो जाती है। ह्यूमिडिटी बढ़ाने पे भी क्या होगा, साउंड की स्पीड बढ़ेगी। लेकिन प्रेशर बढ़ाने पे या घटाने पे साउंड की स्पीड में कोई भी इफ़ेक्ट नहीं आता। प्रेशर बढ़ाने में, ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है, इसलिए इस बात को ध्यान रखना है कि प्रेशर बढ़ाने या घटाने पे साउंड की स्पीड में कोई भी फर्क नहीं पड़ता। तो ये बात हो गई मीडियम ऑफ प्रोपेगेशन को लेकर के। तीसरी बात हम सीखते हैं इसी में, आपके टॉपिक में दिया हुआ होगा ऑडिबल और इनऑडिबल साउंड, कि ऑडिबल साउंड क्या होता है। आपने देखा होगा कि कई बार कुछ आवाज़ें होती हैं जो कि हम नहीं सुन पाते, लेकिन हमारे घर में जो पेट्स होते हैं जैसे कि कुत्ते या बिल्ली, है ना, तो वो क्या करते हैं, वो कुछ आवाज़ों को सुन पाते हैं। तो हम जिन आवाज़ को हम सुन पाते हैं, हम सुन सकते हैं, हम उन ऐसे साउंड को ऑडिबल साउंड कहते हैं, और जिन्हें ह्यूमंस नहीं सुन सकते, हम नहीं सुन सकते, उन्हें हम इनऑडिबल साउंड्स कहते हैं। ये बेसिकली डिपेंड किस पे करता है, तो ये बेसिकली डिपेंड करता है फ्रीक्वेंसी पे। फ्रीक्वेंसी को इस आगे डिटेल में हम पढ़ेंगे इसके नेक्स्ट टॉपिक में, जिसमें कि हम टर्मिनोलॉजीज़ को डिस्कस करेंगे साउंड की, वहाँ पर हम इसे डिटेल में पढ़ेंगे। फिलहाल के लिए हम जानते हैं कि ऑडिबल साउंड की फ्रीक्वेंसी रेंज कितनी होती है। तो इसकी फ्रीक्वेंसी होती है 20 हर्ट्ज़ टू 20 किलो हर्ट्ज़। ये ऑडिबल साउंड की फ्रीक्वेंसी की रेंज होती है, यानी कि 20 हर्ट्ज़ से 20 किलो हर्ट्ज़ तक कोई भी साउंड होगा तो उसे हम सुन सकते हैं, ह्यूमन ईयर सुन सकते हैं, लेकिन इससे कम या इससे ज़्यादा साउंड को हम नहीं सुन सकते हैं। इससे कम साउंड, ऑडिबल साउंड से कम साउंड अगर 20 हर्ट्ज़ से कम फ्रिक्वेंसी किसी भी साउंड की होती है तो ऐसे सभी साउंड को हम इंफ्रासोनिक साउंड्स कहते हैं, इंफ्रासोनिक। और अगर इससे ज़्यादा होगी, अगर इस 20 किलो हर्ट्ज़ से ज़्यादा होगी तो ऐसे साउंड्स को हम क्या कहेंगे, अल्ट्रासोनिक साउंड्स कहेंगे। अब इनका प्रोडक्शन कहाँ कहाँ होता है, ये इंफ्रासोनिक साउंड और अल्ट्रासोनिक साउंड कहाँ पर होते हैं। तो अगर कभी भी एग्जांपल्स में आपको पूछा जाए अल्ट्रासोनिक साउंड या इंफ्रासोनिक साउंड्स कहाँ कहाँ पर होते हैं, तो जितने भी बड़ी बॉडीज़ हैं, फॉर एग्जांपल आप देखें तो व्हेल्स हो गई, एलिफेंट्स हो गए, राइनोसोरस हो गए, अर्थक्वेक हो गई, सुनामी हो गई, इनमें कभी भी कोई भी साउंड आती है तो ये सारी साउंड इंफ्रासोनिक की रेंज में आते हैं। इनकी फ्रीक्वेंसी बहुत ही कम होती है और इनकी वेवलेंथ बहुत ज़्यादा होती है। ये सारे जो भी एनिमल्स वगैरह हैं ये क्या कर सकते हैं, इस इंफ्रासोनिक साउंड को प्रोड्यूस भी कर सकते हैं और इसे
हियर भी कर सकते हैं, इसे सुन भी सकते हैं। साथ ही साथ ये अल्ट्रासोनिक साउंड्स कहाँ पर होते हैं, तो अल्ट्रासोनिक साउंड्स में आप देखें तो जितने भी छोटे जीव हैं, जैसे कि हमारे बैट है ना, चमगादड़, आपकी कुत्ते, बिल्ली है ना, मच्छर, ये सारे ये जो जितने भी जीव हैं ये सभी क्या करते हैं, इस अल्ट्रासोनिक साउंड को हियर भी कर सकते हैं, सुन भी सकते हैं और इसे प्रोड्यूस भी कर सकते हैं। इनके यूजेस भी हैं, जैसे कि अल्ट्रासोनिक साउंड्स का हम यूज़ कहाँ पर करते हैं, जो हमारे बड़े बड़े एयरक्राफ्ट्स या फिर इंजन्स या फिर बहुत बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज़ की मशीनरीज होती हैं, तो उन्हें क्लीन करने के लिए, उन्हें साफ़ करने के लिए इन अल्ट्रासोनिक साउंड्स का प्रयोग किया जाता है। साथ ही साथ कई जगह पे वाटर की प्योरिटी को बताने के लिए भी इन अल्ट्रासोनिक साउंड्स का प्रोड्यूस किया जाता है। कुछ जगह जैसे कि हम सोनार्स वगैरह देखें, जो कि सबमरीन्स में एक मतलब चीज़ों का पता लगाने के लिए या डेप्थ का पता लगाने के लिए, सी की डेप्थ का पता लगाने के लिए इन साउंड्स का प्रयोग होता है। तो ये सारी बातें किस में आती हैं, ऑडिबल साउंड और इनऑडिबल साउंड में। हम लोग नेक्स्ट टॉपिक इसका देख लेते हैं, एक फाइनल टॉपिक, टर्मिनोलॉजीज है ना, साउंड से जुड़ी हुई टर्मिनोलॉजीज क्या क्या हैं, उन बातों को हम जान लेते हैं, तो इस टॉपिक में लगभग बातें ख़त्म हो जाएंगी। टर्मिनोलॉजीज, अगर हम देखें तो हमने देखा कि साउंड अगर प्रोड्यूस हो रहा है ना, साउंड अगर प्रोड्यूस हो रहा है तो कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर बनता है, जैसे कि ये क्या हो गया, कंप्रेशन हो गया और ये रियर फ्रैक्शन हो गया, फिर कंप्रेशन हो गया और फिर रियर फ्रैक्शन हो गया, फिर कंप्रेशन। इस तरीके से कोई भी साउंड मूव करता है या ट्रेवल करता है, तो इस मूवमेंट को ही यदि हम डेंसिटी और टाइम के ग्राफ में डिनोट करें, डेंसिटी और टाइम के ग्राफ में डिनोट करें, तो इसका हमें ये कुछ इस तरीके से कि एक बार इसकी डेंसिटी बढ़ रही है, फिर कम हो रही है और फिर एकदम मिनिमम हो गई, और फिर मिनिमम के बाद ये फिर से अपनी जगह पे वापस आ गई, और फिर इस तरीके से ये मूव करती चली जाती है। तो इसमें कुछ टर्म्स आती हैं, जैसे कि ये टर्म्स क्या हैं, तो जिन नॉर्मल से जितनी ऊपर तक इसकी साउंड जाती है, इसे हम एम्पलीट्यूड कहते हैं, इसे हम एम्पलीट्यूड कहते हैं। एक वेव जब अपनी साइकिल को कंप्लीट करती है, तो इस टाइम पीरियड को हम टाइम पीरियड कहते हैं। साथ ही साथ ये एक यूनिट टाइम में कितनी वेव्स जनरेट हुई, इसे हम फ्रीक्वेंसी कहते हैं, फ्रीक्वेंसी। और फ्रीक्वेंसी इक्वल्स टू क्या होता है, 1/ टाइम पीरियड। यूनिट टाइम में कितनी फ्रीक्वेंसीज जनरेट हुई, उसे ही हम क्या कहते हैं, फ्रीक्वेंसी कहते हैं। एक टाइम में कितनी फ्रीक्वेंसीज जनरेट हुई तो उसे हम फ्रीक्वेंसी कहते हैं। ये एक इन्वर्सली प्रोपोर्शनल वाला रिलेशन है ना। और साथ ही साथ ठीक है, अगर हम स्पीड की बात करें तो स्पीड इक्वल्स टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। और डिस्टेंस यहाँ पर क्या है, तो डिस्टेंस इसकी वेवलेंथ के बराबर है। एक टाइम पीरियड पे इसकी जो टोटल लेंथ होती है, इस लेंथ को हम क्या कहते हैं, इसे वेवलेंथ कहते हैं। तो इसकी टोटल स्पीड को अगर हम कहें तो वेवलेंथ डिस्टेंस अपॉन टाइम पीरियड। ये थोड़ा सा टेक्निकल हो जाता है ना, वेवलेंथ अपॉन टाइम पीरियड। और 1/ टाइम पीरियड इक्वल्स टू क्या था, फ्रीक्वेंसी। वेवलेंथ को हम डिनोट करते हैं लेमडा से और फ्रीक्वेंसी को डिनोट करते हैं
न्यूस है, ये दोनों ही ग्रीक लेटर्स हैं, तो इन ग्रीक लेटर्स से हम इसे डिनोट करते हैं। तो इस तरीके से हम स्पीड को किस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं कि साउंड की स्पीड किसके बराबर होती है, तो वो होती है लैम्डा न्यू के बराबर। तो इसका मतलब ये कि जो साउंड की साउंड का साउंड कोई भी साउंड है तो उसकी स्पीड क्या होगी, लगभग सेम होगी। क्यों? क्योंकि अगर वेवलेंथ घट रही होगी तो इसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ रही होगी, और फ्रीक्वेंसी बढ़ रही होगी तो उसकी वेवलेंथ घट रही होगी। साथ ही साथ इसके कुछ और भी बातें हम कर लेते हैं, जैसे कि इसकी जो फ्रीक्वेंसी है इसे ही हम कई बार पिच के रूप में डिनोट करते हैं। यहाँ पर एक टर्म आती है पिच। पिच किसे कहा जाता है? तो अगर आप देखें तो कुछ लोगों की जो वॉइस होती है वो बहुत ही मोटी सी होती है, है ना, और जो कि काफ़ी एकदम भराई हुई सी, जैसे कि मेंस की जो आवाज़ होती है उसकी पिच क्या होती है, उसकी पिच ज़्यादा होती है यानी कि लाउड होती है, पिच इज़ मोर। और अगर हम दूसरी तरफ छोटे बच्चे या फिर वुमेन की आवाज़ देखें तो उनकी पिच क्या होती है, उनकी पिच लो होती है। पिच लो होती है किसके लिए? वुमेन और चिल्ड्रेन के लिए, है ना। तो ये बात आ जाती है कि पिच पूछा जाए तो जहाँ पर भी वॉइस कैसी होगी, कुछ मोटी सी होगी। पिच का मतलब ये है कि उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होती है, फ्रीक्वेंसी उसकी कम होती है, उसकी वेवलेंथ ज़्यादा होती है। जबकि वीमेन में क्या होती है, फ्रीक्वेंसी उसकी ज़्यादा होती है। जैसे बच्चों की आवाज़ आपने देखा हो तो काफ़ी दूर तक सुनाई देती है, ऐसे ही वीमेन की जो आवाज़ होती है वो काफ़ी दूर तक जाती है, जबकि मेन की आवाज़ होती है उसकी इंटेंसिटी वहीं पर ज़्यादा होती है, है ना। तो इस तरीके से हम इन टर्मिनोलॉजीज़ को डिफाइन कर सकते हैं। एक दो बात और सीख लेते हैं हम इसमें। साउंड सोनार के बारे में सीख लेते हैं। जो सबमरीन्स होती हैं, जैसे कि मान लीजिए ये वाटर लेवल है, यहाँ पर कोई सबमरीन ट्रैवल कर रही है और उसे इस डेप्थ का पता लगाना है, तो यहाँ पर एक क्या होता है, रिफ्लेक्टर होता है जो कि क्रॉस करेगा, और यहाँ पर एक रिसीवर होगा, और ये सारा काम किस में होता है, तो ये काम होता है कौन से, हमने अल्ट्रासोनिक वेव में होता है, है ना। इन्हीं अल्ट्रासोनिक वेव में ही हम क्या करते हैं, इसकी डिस्टेंस को फाइंड आउट कर लेते हैं। एक और बात हम इसमें सीख लेते हैं, एक डॉपलर इफ़ेक्ट कहलाता है। डॉपलर इफ़ेक्ट ये पूछा जा सकता है कि डॉपलर इफ़ेक्ट क्या होता है। डॉपलर इफ़ेक्ट कुछ ऐसा है कि अगर हम कहें कि कोई भी सोर्स है यानी कि कोई भी साउंड का सोर्स है, वो रिलेटिव मोशन कर रहा है, वो किसके साथ रिलेटिव मोशन कर रहा है, मूव कर रहा है, वो किसके साथ मूव कर रहा है, किसी भी ऑब्जर्वर ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में क्या कर रहा है, मूव कर रहा है, तो हमें अलग अलग तरीके का साउंड सुनाई देगा। कैसे, जैसे कि व्हीकल अगर आपके पास आ रहा होता है तो वो साउंड हमें तेज सुनाई देती है, जबकि अगर हमसे दूर जा रहा होता है तो उसका साउंड कैसा सुनाई देता है, उसका साउंड स्लो सुनाई देता है। ये इफ़ेक्ट किसके कारण होता है, तो ये इफ़ेक्ट होता है डॉपलर इफ़ेक्ट के कारण। बेसिकली मूव करता हुआ सोर्स, जैसे कि अगर साउंड स्टेशनरी है तो ये किस तरीके का, एक सर्कुलर सोर्स है, है ना, लेकिन अगर ये मूव कर रहा है फॉर एग्जांपल इस डायरेक्शन में, तो इसकी वेव्स किस तरीके से जनरेट होंगी, कुछ ऐसे।
कुछ ऐसे। तो इसका मतलब ये कि अगर ऑब्जर्वर यहाँ है तो उसे ज़्यादा फ्रिक्वेंसीज सुनाई देंगी, और जबकि ऑब्जर्वर अगर यहाँ पर है तो उसकी फ्रिक्वेंसी कैसी, लो सुनाई देगी। तो इस कारण से क्या होता है, जो रिलेटिव मोशन होता है सोर्स और ऑब्जर्वर के बीच में, उसके कारण जो डिस्टर्बेंस या इफेक्ट आता है साउंड में, उसे ही हम क्या कहते हैं, उसे हम डॉपलर इफेक्ट कहते हैं। ये बात हो गई। एक और लास्ट बात, आपने सुना होगा मैक स्पीड, है ना, जो एयरक्राफ्ट होते हैं उनमें मैक स्पीड से उसे मेज़र किया जाता है। मैक स्पीड बेसिकली क्या है, तो मैक स्पीड बेसिकली साउंड की स्पीड से ज़्यादा या कम को डिनोट करने के लिए, मैक स्पीड का प्रयोग किया जाता है। फॉर एग्जांपल, आपने देखा हो कभी भी बिजली कड़कती है तो उसकी रोशनी पहले आ जाती है और साउंड बाद में आ रहा होता है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जो लाइट की स्पीड है वो साउंड की स्पीड से ज़्यादा होती है। ऐसे ही जो हमारे एयरक्राफ्ट हैं उन्हें जब डिज़ाइन किया जाता है तो उन्हें मैक स्पीड के अकॉर्डिंग ही डिज़ाइन किया जाता है। अगर मैक स्पीड की वैल्यू 1 से कम है तो उन्हें सबसोनिक कहा जाता है, सबसोनिक विमान कहा जाता है। अगर इसकी स्पीड 1 से ज़्यादा होती है तो ऐसे विमानों को सुपरसोनिक विमान कहा जाता है, जैसे कि अपना राफेल एक सुपरसोनिक विमान है, है ना। उसकी मैक स्पीड कितनी है, तो वो 1.4 के आसपास है, है ना। जब यानी कि जब वो ट्रैवल कर जाते हैं उसके बाद उसकी साउंड आ रहा होता है। और अगर हम मैक स्पीड 5 से ज़्यादा हो जाए, अगर इसकी मैक स्पीड 5 से ज़्यादा हो जाए तो हम क्या कहते हैं, तो हम इसे हाइपरसोनिक कहते हैं। ये कुछ टर्मिनोलॉजीज थी जो कि साउंड से रिलेटेड थी, और इन सबको हमने जाना अपने इस चैप्टर साउंड में। तो अब हम इसके बाद अगला टॉपिक जो पढ़ेंगे वो इलेक्ट्रिसिटी पढ़ेंगे, मैग्नेटिज्म पढ़ेंगे, इन सब बातों को समझते रहेंगे। तो हम यहाँ पर अपने टॉपिक को कवर करते हैं, और जो भी आपको क्वेरीज़ हैं वो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। थैंक यू।